नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर जनरल स्टडी की वे सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। वीडियो को यूज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं, और वीडियो के एंड में अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किया है। वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में मैं कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका जवाब भी आपको देना होगा। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और साथ ही साथ आप बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए है, द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी इन 2020 हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइट सी वायरस। यानी कि अभी जो रिसेंटली 2020 का मेडिसिन, यानी कि अब ये बोल सकते हैं जो नोबेल प्राइज दिया गया है, किस फील्ड की वजह से दिया है, किस डिस्कवरी की वजह से दिया गया, उसके बारे में ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है, जिसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि अभी फिलोजी यानी कि मेडिसिन की अगर हम बात करें, इसमें जो नोबेल प्राइज दिया गया हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए दिया गया है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP वाज लॉन्च टू इलिमिनेट हेपेटाइटिस सी बाय 2020 इन इंडिया। हमारी कंट्री में अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी अगर बीमारी की बात करें, तो इसे इलिमिनेट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका टारगेट रखा गया है 2030, और इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, हेपेटाइटिस सी वैक्सीन इज इंक्लूडेड अंडर द इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हमारी कंट्री में UPI यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर हेपेटाइटिस सी के वैक्सीन को भी इंक्लूड किया जाता है, ऐसा आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट है आपके पास, तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल थ्री स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये क्वेश्चन नोबेल प्राइज और साथ ही साथ अब हेपेटाइटिस सी वैक्सीन को रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है 2020 का मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, आप बोल सकते हो इस फील्ड का नोबेल प्राइज, और इसे जो रिसीव करने वाले जो पर्सन है, ये तीन पर्सन है, और इन तीनों पर्सन ने को डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से ये मेडिसिन का इन्हें नोबेल प्राइज इस साल का दिया जा रहा है। तो आप नाम देख सकते हैं, ये हार्वे जे अल्टर और माइकल होंगटन, ये दोनों जो पर्सन है ये USA से है, और ब्रिटेन से चार्ल्स एम राइस, ये ब्रिटेन से है। यानी कि ये तीन लोगों को मिलाकर के ये प्राइज दिया गया, जिसमें दो तो USA से है, एक ब्रिटेन से है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो हमारी कंट्री में 2018 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, और इसका टारगेट है हमारी कंट्री में इलिमिनेट करना हेपेटाइटिस सी 2030 तक, ये हमारी कंट्री में टारगेट रखा गया है। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें अपनी कंट्री में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि UPI की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए कुछ भी क्या नाम है वैक्सीन को नहीं रखा गया, बल्कि हेपेटाइटिस बी को इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स ये हुआ कि भी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा वो गलत हो गया। हेपेटाइटिस बी के लिए रखा गया प्रोविजन, सी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। इसके अलावा कुछ लिस्ट ऑफ डिसीज है जिसके लिए हमारी कंट्री में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चलाया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी डिजीज है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये तीनों पर्सन काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आज के टाइम पे हो गई है, और इनके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू कोलिशन ऑफ इपिडेमिक
प्रिपेयरनेस फॉर इनोवेशन, जिसे शॉर्ट में हम सीईपीआई भी बोल सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोलेशन एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है सीईपीआई वॉज लॉन्च इन 2020 इन रिस्पॉन्स ऑफ कोविड-19 इन ऑर्डर टू डेवलप वैक्सीन टू स्टॉप फ्यूचर एपिडेमिक्स। यानी कि अभी रिसेंटली 2020 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया एक इंटरनेशनल लेवल पर, जिसका नाम रखा गया कोलेशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस फॉर इनोवेशन। यानी कि इनोवेशन कर करके ये जो डिसीज है अभी जो रिसेंटली कोविड-19 जो वर्ल्ड वाइड जो फैल रही है, इसके लिए वैक्सीन को डेवलप करना और फ्यूचर में इस तरह की कोई और एपिडेमिक क्रिएट ना हो, इसके लिए कुछ इनोवेटिव मेथड एक फाइंड आउट करना ताकि इस तरह की बीमारी को टैकल किया जा सके। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो इनिशिएटिव है इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की तरफ से ये स्टार्ट किया गया है। ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गई हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है आपका ए, यानी कि ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, सीईपीआई के बारे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सीईपीआई के बारे में, तो ये आपके लिए जो करेक्ट आंसर है वो डी है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखे हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये कोलेशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस फॉर इनोवेशन ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, और इसे पहले इसका नाम था ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इनके थ्रू इसे स्टार्ट किया गया था। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए कि वर्ल्ड वाइड जो 6 लेबोरेटरी है उनमें से एक हमारी कंट्री में फरीदाबाद के अंदर है, जो दिल्ली NCR के रीजन के अंदर आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक लेबोरेटरी इसके लिए हमारी कंट्री में भी बनाया गया है, इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके गलत होने की वजह यह है कि ये 2020 में इसे स्टार्ट नहीं किया गया है, इस प्रोग्राम को लॉन्च 2017 में ही कर दिया गया था, और ये ग्लोबल पार्टनरशिप है। यानी कि फ्यूचर में कोई भी एपिडेमिक डिजीज आए उससे पहले वैक्सीन को डेवलप करने का इनका टारगेट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह यह है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले ही इनोवेशन स्टार्ट कर दिया गया था। और इसे जो स्टार्ट किया गया था दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में सिटी है, वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के थ्रू यहां साइन इसे यहां पर डेवलप किए गए 6 लेबोरेटरी वर्ल्ड वाइड। और इसे जो स्टार्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। यानी कि आप ये बोल सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कंट्रीब्यूशन के साथ ये मिलिंडा गेट फाउंडेशन जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जो हुआ करते थे बिल्स गेट जो होते थे, उनकी तरफ से भी ये फंड इसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। और एक ट्रस्ट और है वेलकम ट्रस्ट, तो ये सब मिलकर के इस इनिशिएटिव को इन्होंने स्टार्ट किया है। इट मीन्स ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि नाइदर वन नॉट टू। विद रेफरेंस टू वर्ल्ड हैबिटेट डे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन में आपसे वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी रिसेंटली इसे सेलिब्रेट किया गया है, इस वजह से क्वेश्चन न्यूज में है और आपसे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 इज होस्टेड बाय द हैबिटेट इंटरनेशनल कोलिशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया। यानी कि इसे वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे इंटरनेशनल कोलिशन जो है हैबिटेट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया इन्होंने मिलकर के इसे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, और इसने 2020 का सेलिब्रेट करने का काम किया है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि 1986 के अंदर केनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया गया था। यानी कि दो कंट्री को रिलेट करके क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया आपके लिए। इंडोनेशिया अभी 2020 के लिए होस्ट कंट्री आप कह सकते हो, इसे बनाया गया है, और आप ये बोल सकते हैं कि 1986 के लिए केनिया ने इसे होस्ट किया था फर्स्ट टाइम। तो दो क्वेश्चन हो गया, दो स्टेटमेंट हो गया आपके लिए। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो
इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो आपका ऑप्शन बी है। पहले तो ये समझ लीजिए कि अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर को ये वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया गया है, और इसका जो थीम था, थीम ये था हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। इस थीम के साथ इसे सेलिब्रेट किया गया। ये कोई फिक्स डेट नहीं होता कि इसे 5 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाएगा, बल्कि इसके लिए ये गाइडलाइन है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर इस दिन इसे वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि हर साल अक्टूबर के महीने में जो सबसे पहला मंडे सोमवार जो आएगा उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट मींस ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि अभी रिसेंटली इंडोनेशिया ने इसे स्टार्ट किया, इंडोनेशिया इसे होस्टिंग कंट्री है, नहीं ये बात गलत है। यूनाइटेड नेशन का ये एक इनिशिएटिव आप बोल सकते हो। इट मींस ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि भाई फर्स्ट टाइम इसे वर्ल्ड हैबिटेट डे जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था 1986 के अंदर इसे सेलिब्रेट किया गया था, और ये केनिया के अंदर जो सिटी है नैरोबी वहां पर इसे सेलिब्रेट किया गया था। यानी कि आप ये कह सकते हो होस्ट कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड हैबिटेट डे का केनिया था, जिसे 1986 में इसने होस्ट किया था। और उस टाइम जो इसकी थीम थी वो ये थी शेल्टर इज माय राइट, ये इसकी थीम थी उस टाइम की। तो करेक्ट आंसर आप ये बोल सकते हो ऑप्शन बी हो गया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये एक इंडिपेंडेंट और नॉन अलायंस कह सकते हो एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डे को सेलिब्रेट करने का काम करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट 2013 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री में लोकपाल को लेकर के, लोकपाल लोक आयुक्ता को लेकर के एक एक्ट पास किया गया था 2013 में। आप लोगों को याद होगा अन्ना हजारे जी का एक मूवमेंट था, उस मूवमेंट के बाद इसे एग्जिस्टेंस में लाया गया और इसके रिगार्डिंग में एक एक्ट हमारी कंट्री में पास किया गया। और उसी के रिगार्डिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है द जुडिशरी ऑफ लोकपाल डज नॉट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इस जुडिशरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई चार्जेस आप नहीं लगा सकते, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स बाय लोका आयुक्ता इज ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन एंड और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लीस्ट। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लोका आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया है तो उसकी जब तक 65 ईयर उसकी एज नहीं हो जाती, या फिर यूं कहूं कि 5 ईयर वो टर्म पूरा नहीं कर लेता, तब तक इस पोस्ट पर वो बना रहेगा। और इन दोनों में से जो सी चीज सबसे पहले हो जाती है उसके अकॉर्डिंग तक उसका टर्म एंड जो टाइम पीरियड जो उसका कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है लोका आयुक्ता के बारे में। अब ये दो स्टेटमेंट है और आपके लिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मीन्स ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो लोकपाल लोक आयुक्ता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वह है आपका ऑप्शन डी। डी का मतलब यह कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत आपको दे दिए गए। अब जान लेते हैं सही बात क्या है। हमारी कंट्री में लोकपाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया जाता है, साथ के साथ जितने भी मिनिस्टर्स हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन सबको भी इंक्लूड किया जाता है लोकपाल के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें भी जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर ग्रुप ए बी सी या फिर डी ऑफिसर है सबको ही लोकपाल के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जितने भी इंप्लॉय होंगे, मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबको ही लोकपाल के अंदर उसकी जुडिशरी के अंदर सबको इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा था उसके गलत होने की रीजन यही है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया गया है। और अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की जिसमें आपसे टाइम पीरियड की बात की गई थी लोक आयुक्ता की, तो लोकपाल लोक आयुक्ता एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है कि भी कब तक किसी को अपॉइंट करके रखा जा सकता है। यानी कि उसके टाइम पीरियड के बारे में ये बोला गया कि स्टेट जो होगा स्टेट के ऊपर ये रहेगा, उसकी फ्रीडम है कि वो डिसाइड करेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर जिस स्टेट में ये लोक आयुक्त अपॉइंट हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कोई ये फिक्स टर्म नहीं है कि 5 ईयर होगा या 65 ईयर तक एज तक होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज पेंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू। आपको ये बताना है ये पेंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस किस कंट्री से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है म्यांमार, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया।
और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा हांगकांग। ये चार कंट्री आपको दे दी गई स्क्रीन पर। अब ये चार कंट्री में से आपको चूज करना है कि पैंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस किस कंट्री से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा जो नेबर कंट्री है म्यांमार, म्यांमार से ये कॉन्फ्रेंस, ये कह सकते हो ये एक तरह से एग्रीमेंट रिलेटेड है पैंगयोंग, और इसे अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया, इस वजह से ये न्यूज में है। अच्छा, अभी क्या हुआ कि इसकी फोर्थ मीटिंग कंडक्ट की गई है, जिसको हम बोलते हैं पैंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस, जो कि जो लोकेशन इसके है ने पी टाउ, एक तरह से लोकेशन है म्यांमार के अंदर जहां पे इसे कंडक्ट किया गया था। और ये एक तरह से ये जो एक तरह से एग्रीमेंट कह लीजिए, कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है 2016 में से स्टार्ट किया गया था, अभी फोर्थ मीटिंग कंडक्ट की गई है। इसका मेन मोटिव ये है कि म्यांमार के अंदर एक अच्छी खासी पॉलिटिकल सिचुएशन एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सके, एक स्टेबल गवर्नमेंट को बनाया जा सके, उसके लिए, यानी कि आप ये बोल सकते हो म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट को फ्रेम करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है, इसकी एक मीटिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कि म्यांमार हो जाएगा। विद रेफरेंस टू डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI सर्वे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट वॉज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो डाटा को गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी स्कीम को स्पॉन्सर करती है उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेस करती है, ये इसका एम है इस DGQI का। और फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो काम करती है इसको कंडक्ट करने में। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए, अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए DGQI के बारे में। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। डाटा यानी कि जो भी हमारा पर्सनल डाटा होता है, मोबाइल का या फिर एड्रेस का या फिर कोई हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी डाटा होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम डाटा का इंडिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कि आपसे बोला गया था कि डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स यानी कि गवर्नेंस की, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से अपनी गवर्नेंस कर रही है, उस चीज को मेजर करने के लिए, उस चीज को जानने के लिए नीति आयोग हमारी कंट्री में, नीति आयोग और उसके साथ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस हुए, ये लोग मिलकर के एक काम करते हैं कि जो भी स्कीम वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, चलाती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें स्पॉन्सर करती है, उस स्कीम को ये एक तरह से इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं कि वो गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है वो जनता तक यानी पब्लिक तक वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। इस चीज को मॉनिटर करने के लिए ये DGQI सर्वे कंडक्ट किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपसे बोला गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट काम करती है, ये गलत है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है उस चीज को चेक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम या फिर कह सकते हो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को चेक करने के लिए ये गवर्नमेंट इस डाटा को कंडक्ट करती है। इट मीन्स ये हुआ सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस डाटा के अंदर सिक्स मेजर थिंग्स को ध्यान में रखते हुए डाटा कलेक्शन किया जाता है, वो कुछ इस तरह से है: यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, यूज एंड डिसमिनेटेशन, डाटा सिक्योरिटी, HR कैपेसिटी एंड केस स्टडी। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो सिक्स मेजर कॉम्पोनेंट है जिसके बेसिस पे डाटा कलेक्शन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल टनल। अटल टनल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी आपको मालूम ही होगा रिसेंटली हमारी कंट्री ने अटल टनल को कंप्लीट किया है इसका कंस्ट्रक्शन, इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कनेक्ट मनाली टू लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये जो टनल है अटल टनल, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे कंट्री में थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम से टनल का नाम रखा गया, जो कि मनाली को लाहौल और स्पीति से कनेक्ट करता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड।
पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हाईवे की अगर बात करें, हाईवे टनल की बात करें, ये सबसे लंबा होने वाला टनल है, ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द टनल इज बिल्ट इन द धौलधार रेंज ऑफ हिमालय, यानी कि ये धौलधार रेंज ऑफ हिमालय, हिमालय माउंटेन जो है उसके धौलधार रेंज में इसे कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट हो गए, अब आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए आंसर को चूज करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना है आपको भी आपका करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस क्वेश्चन की यानी कि अटल टनल जो कि रोहतांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये टनल है, और ये जो टनल है हमारे पुराने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये टनल का नाम रखा गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ये इसे कंस्ट्रक्शन किया गया है, और ये जो टनल है ये मनाली को कनेक्ट करता है, लाहौल एंड स्पीति जो कि डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ इसे कनेक्ट करने का काम करता है। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 3000 मीटर अबव जो सी लेवल है उससे ऊपर ये इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि धौलधार रेंज में, ये धौलधार रेंज में नहीं बल्कि ये पीर पंजाल रेंज हिमालय के उसमें इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। इट मीन्स ये हुआ कि थर्ड स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो जाएगा ए। ए का मतलब ये कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि ये पीर पंजाल रेंज में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है हिमालय के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक्सरसाइज बोंगो सागर बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज, यानी कि आपको बताना है ये जो एक्सरसाइज बोंगो सागर है ये किस दो कंट्री के बीच में कंस्ट्रक्शन मतलब ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है ये आपको बताना है। और ये जो एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज है, इट मींस ये है कि ये एक्सरसाइज दोनों कंट्री की नेवी मिलकर के परफॉर्म करती है। ठीक है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज जिसका नाम है बोंगो सागर है। दूसरे ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया और मालदीव मिलकर के ये एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। ठीक है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका मिलकर के ये एक्सरसाइज परफॉर्म करती है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि मालदीव और श्रीलंका ये एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। एक नेवी की एक्सरसाइज है जिसका नाम एक्सरसाइज बोंगो सागर रखा गया है। तो ये चार ऑप्शन हो गए आपके पास, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज है, और ये एक नेवी की एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों कंट्री, हमारी कंट्री भी इंडिया भी, और इंडिया के साथ साथ जो बांग्लादेश है दोनों कंट्री मिलकर के, दोनों की नेवी मिलकर के ये एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। तो यानी कि ये हुआ कि जो ऑप्शन ए है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 3 अक्टूबर 2020 को ये सेकेंड इस तरह की एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल यानी कि हमारी जो कंट्री अगर बात करें, ठीक है, अगर हमारी कंट्री की आप बात करें तो ये जो एरिया आ जाता है, ठीक है, यहाँ जो बांग्लादेश है ये, और ये जो एरिया बे ऑफ बंगाल एरिया आता है उस एरिया में इसे परफॉर्म की जाती है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है ये दोनों कंट्री के बीच में इंटर ऑपरेशनेबिलिटी और ज्वाइंट ऑपरेशनल स्किल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंडिया और बांग्लादेश आपको याद रखना है बोंगो सागर एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली, यानी कि महात्मा गांधी यानी गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है कि गांधी जी ने जो थर्ड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आपके लिए उठाया गया है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द हिंदुस्तानी प्रचार सभा वॉज फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी
एट वर्धा इन 1942। वर्धा जो कि महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी कह लीजिए, वहां पर ये सिटी है, जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में बोला जा रहा है। वहां पे महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी प्रचार सभा नामक एक संस्थान की स्थापना की गई थी इनके द्वारा 1942 के अंदर। और फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जो पार्टिसिपेट किया था थर्ड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ और सिर्फ उसी में पार्टिसिपेट किया था। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास, और आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अब महात्मा गांधी से क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, तो बैकग्राउंड में जाके इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब जान लेते हैं ऐसा क्यों है। 1931 में सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसे महात्मा गांधी ने गांधी इनविन पैक्ट का नाम भी एक तरह से आप कह सकते हो उसे दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ इसी को महात्मा गांधी ने अटेंड किया था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि लंदन में हुई थी, उसमें ही महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जो थर्ड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, इसमें महात्मा गांधी ने अटेंड इसे नहीं किया था, ठीक है। इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो गलत हो गया, थर्ड नहीं बल्कि सेकंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, उसी को महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अटेंड किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वर्धा जो कि महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वहां महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी प्रचार सभा को 1942 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम रखा गया था कि हमारी कंट्री में जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है या उससे लिंक लैंग्वेज जितनी भी है उन सबके प्रचार का काम करना है, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें हिंदी और उर्दू के विकास के लिए महात्मा गांधी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था, वर्धा जो कि महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू रिट्रीब्यूट जस्टिस, एक बार करेक्ट कर लीजिए, रिट्रीब्यूट जस्टिस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बेस्ड ऑन द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर एज वेल एज देयर रिहेबिलिटेशन। यानी कि ये एक तरह से रिट्रीब्यूट जस्टिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल जो पनिशमेंट मिलती है जस्टिस के अंदर, पनिशमेंट के साथ साथ उनके रिहेबिलिटेशन का भी काम किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है, यानी कि पहले सजा दिया जाता है उसके बाद उसे फिर से बसाने में, जो भी कैदी वगैरह होते हैं उनको बसाने में हेल्प प्रोवाइड की जाती है, उसका भी प्रोविजन रखा जाता है, ठीक है, रिट्रीब्यूट जस्टिस की अगर हम बात करें तो। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इट रिक्वायर्ड दैट द रिस्पॉन्स ऑफ ए क्राइम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द कमिटेड ऑफेंस। यानी कि जो भी क्राइम होता है वो क्राइम जो होता है क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि भी उसे पनिशमेंट या फिर उसे ऑफेंस के हिसाब से क्या सजा मिलेगी, ठीक है। यानी कि जिस लेवल का क्राइम होगा उस लेवल की उसे सजा की तरह से आप कह सकते हो उसे प्रदान की जाएगी। ये सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है। तो दो स्टेटमेंट हो गए, आपको चूज करना है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट यानी कि थर्ड ऑप्शन यानी सी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट हमें चूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए का मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ ये गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए कि अगर हम बात करें रिट्रीब्यूट जस्टिस की, अगर हम बात करें तो ये एक तरह से सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, ठीक है, बेस्ड ऑन द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस रेदर देन द रिहेबिलिटेशन। यानी कि रिहेबिलिटेशन का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट की बात की जाती है। अगर कोई क्रिमिनल कोई काम करता है, क्रिमिनल जस्टिस किसी को अगर प्रोवाइड करनी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो, यानी कि सजा का प्रावधान है, उनकी रिहेबिलिटेशन पुनर्वास के बारे में कोई चीज डिस्कस नहीं की जाती है। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें यह बोला गया कि रिट्रीब्यूट जस्टिस रिक्वायर्ड एट द रिस्पॉन्स टू बी क्राइम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द
टू द कमिटेड ऑफेंस, यानी कि जो भी उसे पनिशमेंट दी जाएगी उसके बारे में अगर हम बात करें, वो डिपेंड करती है कि उसका ऑफेंस किस लेवल का है, उसकी क्राइम किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये बोल सकते हो कि सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और हमसे पूछा गया था कि गलत स्टेटमेंट बताइए, तो गलत स्टेटमेंट ऑप्शन ए में ही है, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू एविएशन बोटुलिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एविएशन बोटुलिज्म के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट इज न्यूरो मस्कुलर इलनेस इन बर्ड कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये एक तरह की बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से इलनेस होती है बर्ड्स के अंदर, पक्षियों में होने वाली एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट इट्स आउटब्रेक ट्रेंड टू अकर व्हेन एवरेज टेम्परेचर आर अबव 21 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ड्रॉट, यानी कि जब सूखा पड़ता है और उस टाइम जब एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तब इस तरह की बीमारी फैलती है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताने कि एविएशन बोटुलिज्म को ध्यान में रखते हुए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जान लेते हैं एविएशन बोटुलिज्म होता क्या है। एविएशन बोटुलिज्म एक तरह की डिसीज आप कह सकते हैं जो कि बर्ड्स के अंदर किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जब भी बैक्टीरिया जो होता है ये बैक्टीरिया जो इनके अंदर टॉक्सिन क्रिएट होता है, ये न्यूरोमस्कुलर इलनेस जिसे हम कह सकते हैं एक टॉक्सिन की क्रिएट होने की वजह से इनके अंदर ये बीमारी फैलती है और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इफेक्ट पड़ जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो ये पिक्चर देख रहे हो ये जितने भी बर्ड है जब टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और ये टॉक्सिन इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है इनके लिए, तो भी इनका जो नर्वस सिस्टम है बर्ड्स वगैरह का वो इस कैपेबल नहीं होता कि इस बीमारी से वो टैकल कर सके और इसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है और भी बहुत तरह की बीमारी इनके अंदर हो जाती है, पैरालिसिस भी हो जाता है बर्ड्स के अंदर, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, ठीक है इस तरह की चीज़ें फैल जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे दी गई है। अब ये अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो सांबर लेक हमारी कंट्री के अंदर है वहां इस तरह की बर्ड्स की डेथ होने की वजह से ये टॉपिक आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। बाकी ये सांबर लेक की लोकेशन क्या है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नोबल प्राइस के बारे में जो फिजिक्स में इस टाइम अनाउंस हुआ है 2020 के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द ईयर 2020 हैज बीन अवार्डेड फॉर द डिस्कवरीज रिलेटेड टू ब्लैक होल। ब्लैक होल की जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड जो काम किया है जिन लोगों ने उनको ये प्राइस दिया जा रहा है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 के लिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल वॉज थ्योरीड बाय जॉन अर्चिड विलर। जॉन अर्चिड विलर की थ्योरी है ये जिन्होंने ये बताया था ब्लैक होल के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये ध्यान में रखते हुए कि 2020 के नोबेल पीस नोबेल फिजिक्स प्राइज के बारे में ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस साल का नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में दिया गया है 2020 के लिए वो दिया गया है ब्लैक होल की डिस्कवरी से रिलेटेड काम के लिए। डिटेल में जान लेते हैं कि इस साल का फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज दिया गया किस किस को दिया गया है। तो इसमें तीन लोगों को शेयर किया गया है और दो डिस्कवरी के लिए। एक डिस्कवरी तो ब्लैक होल से रिलेटेड है, तो रोजर पेनरोज जो है इनको ब्लैक होल की डिस्कवरी से रिलेटेड काम करने के लिए इसे नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में 2020 के लिए। ये तो फर्स्ट पर्सनैलिटी हो गई। बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड पर्सनैलिटी है इन्हें कंबाइंड दिया गया
डिस्कवरी के लिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अवर गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव इंपैक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट का, उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कवरी इन दोनों ने करी है, इनको कंबाइंड दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 50% इस रोजर पेनरोज को दिया गया, 25% और 25% इन दोनों के बीच में ये प्राइज मनी शेयर होगा। ये हम बात कर रहे हैं 2020 के फिजिक्स नोबेल प्राइज की, यानी कि ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि जॉन अर्चिट जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे, आपसे बोला जा रहा है, जिन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया था। नहीं, फर्स्ट पर्सन ये नहीं थी, इन्होंने तो 1960 में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इनसे भी पहले 1950 में ब्लैक होल की थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही दे दी थी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी। तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो तीनों पर्सनैलिटी है ये किस किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो रॉजर पेनरोज जो है वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, और रेनहर्ड गेजल ये जो है जर्मनी से बिलोंग करते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, और ये एंड्रे गैस ये यूएसए से यानी कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। यानी कि आपको कंट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस डिस्कवरी की वजह से इनको दिया गया है। ब्लैक होल की डिस्कवरी एक पर्सन को और दूसरे पर्सन को जो गैलेक्सी के अंदर जो सेंटर में सुपर मैसिव इंपैक्ट पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके रिगार्डिंग में डिस्कवरी के लिए इन दोनों को कंबाइंड दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो क्वेश्चन को जिस तरह से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट वन, इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री के बारे में बोला जा रहा है कि जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन जिस कंट्री के पास है, उस कंट्री के अगेंस्ट में हमारी कंट्री एक पॉलिसी फॉलो करती है जिसमें आपसे बोला जा रहा है, जो कि ये पॉलिसी है कि हम लोग उसके अगेंस्ट में नो फर्स्ट यूज करेंगे। यानी कि जिनके पास ऑलरेडी वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, उस कंट्री के अगेंस्ट में हम लोग पॉलिसी हम लोगों ने फॉलो कर रही है हमारी कंट्री कि पहली बार हम यूज नहीं करेंगे, उनको यूज करने देंगे, फिर जवाब में हम लोग रिप्लाई करेंगे। ये हमारी कंट्री की तरफ से पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द फिसाइल मटीरियल कट ऑफ थ्योरी प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चरिंग एंड मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। यानी कि ये एक तरह से ट्रीटी है जिसे हम फिसाइल मटीरियल ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि भाई न्यूक्लियर वेपन को जो प्रोड्यूस करने वाले जो काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इसके मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का, इसको प्रोहिबिट करते हैं, इसे कहते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे जो इस ट्रीटी को साइन करती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से नॉट करेक्ट कौन सा है, यानी कि आपको चूज करना है गलत स्टेटमेंट कौन कौन से इन दोनों के अंदर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है, यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि भी गलत अगर स्टेटमेंट की हम बात करें तो भी हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करती है, और हमारी कंट्री के अलावा चाइना, नॉर्थ कोरिया और यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर जो है ये हमारे जो कंट्री है ये नो फर्स्ट यूज को फॉलो करती है। अगर हम बाकी कंट्री की बात करें, यूडीएसएसआर है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी वो कंट्री जो नो फर्स्ट यूज को पॉलिसी को नो करती है यानी कि फॉलो नहीं करती, उसके अंदर यूएसए, रशिया, यूके, पाकिस्तान, इसराइल और फ्रांस है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्री की लिस्ट है जो आपको पता होने चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा जो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा भाई जो हमारी कंट्री के बारे में जो बोला गया था कि हमारी कंट्री ये फॉलो करती है कि नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके अगेंस्ट नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हमारी कंट्री फॉलो करती है, ठीक है। अच्छा, और बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि फिजाइल मटेरियल ट्रीटी जो है ये प्रोहिबिट करती है, यानी कि ये बैन करती है एक तरह से कि प्रोडक्शन को और प्रोडक्शन जो उन सारे कंपोनेंट को जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, कहने का मतलब है यूरेनियम और प्लूटोनियम, इन दो प्रोडक्ट को के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये एक तरह से ब्लॉक करती है एग्रीमेंट, ये आपसे बोला गया और ये प्रपोज है अभी ये एग्रीमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट अभी हमारा गलत है, ठीक है, गलत ही हमें चूज करने के लिए बोला गया था।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया यानी हमारी कंट्री और यूएसए यानी कि अमेरिका के बीच में, यूएस और अमेरिका के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट आंसर चूज करना है करेक्ट कोड को ध्यान में रखते हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इसमें फर्स्ट एग्रीमेंट जो आपसे बोला जा रहा है वो ये है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोरेंडम एग्रीमेंट, या जिसे हम LEMOA बोल सकते हैं। ये एग्रीमेंट है जो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन किया गया है। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, यानी कि ये सेकंड एग्रीमेंट GSOMIA ये साइन किया गया इंडिया और यूएसए के बीच में। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट, जिसे हम कोमकासा यानी COMCASA कोमकासा एग्रीमेंट है, ये साइन किया गया इंडिया यूएसए के बीच में। और लास्ट की जो एग्रीमेंट है BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पिरिचुअल कोऑपरेशन, ये एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ये चार एग्रीमेंट के बारे में आपको बोला पूछा जा रहा है कि इन चारों में से इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला एग्रीमेंट ही साइन हुआ है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि ये GSMOI और इसके अलावा BECA, ये दो एग्रीमेंट साइन किए गए। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ यानी कोमकासा और BECA, ये दो एग्रीमेंट इंडिया यूएसए के बीच में साइन किए गए हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि चारों ही एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए ने साइन कर रखे हैं एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से एग्रीमेंट करेक्ट है जो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन किए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि यानी कि हमारी कंट्री इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो भी ऊपर की जितनी भी तीन एग्रीमेंट है यानी कि LEMOA जो कि एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट है, ये हमारी कंट्री की जो मिलिट्री फैसिलिटी एक दूसरे को यूज करने से रिलेटेड है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में साइन की गई है। इसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड एग्रीमेंट जो कि है GSOMAI यानी कि जनरल एग्री सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, यानी कि इसमें क्या करते हैं, दोनों कंट्री जो भी साइन करती है वो अपने मिलिट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंसी को शेयर करते हैं, जो इंडिया और यूएसए ने साइन किया हुआ है, ये भी करेक्ट है। थर्ड की बात करें तो थर्ड कोमकासा यानी कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट है, जो कि 10 ईयर के लिए वैलिड रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो हाई सेंसिटिव कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनके इक्विपमेंट को ध्यान में रखते हुए, ये भी इंडिया और यूएसए ने साइन किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, तो ये एक और है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स यानी कि ISA, ये भी इंडिया और अमेरिका के बीच में साइन किया गया है, जिसे 2+2 डायलॉग को ध्यान में रखते हुए। 2+2 डायलॉग का मतलब है इंडिया की 2 मिनिस्ट्री और यूएसए की भी इस तरह की 2 मिनिस्ट्री वो आपस में साइन करती है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री, ये दो नहीं, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये दो मिनिस्ट्री हमारी कंट्री से, और सिमिलरली उनके यानी कि यूएसए के अंदर भी जो इस तरह की 2 मिनिस्ट्री है वो आपस में एग्रीमेंट साइन करती है। लेकिन अगर हम बात करें BECA, ये एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुई, प्रपोज्ड है, यानी कि अभी डिसाइड ये हुआ है कि अक्टूबर इस महीने ही, अक्टूबर 2020 में ये साइन होने के चांसेस है, जब इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग मीटिंग जब होगी तब ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। ठीक है, ये अभी साइन हुई नहीं है, होना भी बाकी है। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिवर गोदावरी के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, यानी कि गोदावरी जो रिवर हमारी कंट्री के अंदर है, उस रिवर के अंदर कौन कौन से इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, यानी कि सहायक नदी नहीं है, ये आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो वर्धा है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग वारना इसकी सहायक नदी नहीं है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है मनेर इसकी सहायक नदी नहीं है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है साबरी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है वो आपको चूज करना है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है, चलिए आंसर को चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी करेक्ट है। बी का मतलब ये जो वारना है, वारना जो आपसे बोला जा रहा है, वारना ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी ना होके रिवर कृष्णा की ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर तो हमारा बी हो गया। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो ये सारी रिवर यानी कि पूर्णा, मांजरा, पेनगमा, ये वर्धा,
ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, ये सारी की सारी जो रिवर है ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर आप बोल सकते हो, यानी कि इंद्रावती, मनेर, साबरी, ये सब रिवर कौन सी है, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी रिवर वो होती है कि कोई एक कोई भी स्मॉल रिवर होती है जो बड़े रिवर में जाके मैच कर जाती है। जैसे अगर हम बात करें इस गोदावरी रिवर की, तो ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर के ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर के ये बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती है। और इस बीच में जितनी भी रिवर इससे टच होती जाती है, छोटी छोटी रिवर का पानी जो उसमें मैच होता है, उसे हम बोल सकते हैं उसका ट्रिब्यूटरी रिवर। और ये सारी रिवर जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये सारी रिवर इसके अंदर उसमें मिल जाती है गोदावरी रिवर की वजह। यानी कि अब ये बोल सकते हो जो गोदावरी रिवर है ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली रिवर है। ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होके फिर आंध्र प्रदेश, कुछ कुछ एमपी में थोड़ा बहुत हिस्सा जाता है इसका, और उसके बाद छत्तीसगढ़, और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश को होते होते ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है रिवर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। विद रेफरेंस टू CRISPR टेक्नोलॉजी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये CRISPR टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अभी क्या हुआ है कि भी नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में अनाउंस हुए हैं, उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जा रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है यूजिंग CRISPR टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स कैन एड, रिमूव एंड अल्टर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। यानी कि डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, इसके जो सीक्वेंस है, इसके सीक्वेंस में कोई भी एडिट करना हो, ऐड करना हो या कुछ रिमूव करना हो, तो सीक्वेंस में चेंजेस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जिसे CRISPR टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है, जो कि इससे रिलेटेड है। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2020 हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी CRISPR, या फिर आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं इसे, Cas9 जेनेटिक सीजर्स। ये दूसरी चीज आपसे बताया, दूसरा नाम इसका बताया जा रहा है, इसके लिए नोबेल प्राइज अभी 2020 के लिए दिया गया है, ये आपसे सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि CRISPR टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इज इन द बैक्टीरिया स्पेक्ट्रोकिस पाइजियंस। तो ये आपके पास तीन स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है, और तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है CRISPR टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए कि आपका सही आंसर होता है या नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर डी है। डी का मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि CRISPR सिस्टम जो होता है, एक टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, जो कि डीएनए के अंदर अल्टर करने, ऐड करने और रिमूव करने के लिए टेक्नोलॉजी है, और जिसे जो डेवलप किया है इन दोनों ने डेवलप किया है। तो ये इस वजह से, इस रिसर्च की वजह से 2020 का जो नोबेल प्राइज आप बोल सकते हो केमिस्ट्री के लिए, ये लिए जो अवार्ड किया है कि टू पर्सनैलिटी को अवार्ड किया गया है। फर्स्ट पर्सनैलिटी जो है इमानुएल कारपेंटियर, जो कि फ्रांस की है, मैं इनकी बात कर रहा हूं, और सेकंड पर्सनैलिटी जो है जेनिफर ए डोंडा डोंडला डोंडना, ये सेकंड पर्सनैलिटी है जो कि यूएसए की है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस साल का केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है इन दोनों पर्सनैलिटी को दिया गया है, कि डीएनए के अंदर जो भी चेंजेस करना, यानी कि कुछ सीक्वेंस को ऐड करना या फिर रिमूव करना, ठीक है, कुछ ऐड करना या फिर रिमूव करना, या फिर आप बोले उसके अंदर अल्टर करने के लिए, ये टेक्नोलॉजी जो इन्होंने डेवलप की है, इनकी वजह से इन्हें ये नोबेल प्राइज अनाउंस जो हुआ है, इन दोनों का नाम सामने आया है। जो फर्स्ट पर्सनैलिटी है ये पर्सनैलिटी फ्रांस की है, और सेकंड पर्सनैलिटी की अगर बात करें ये यूएसए की है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी है बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया था ये एक तरह से नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स ये हुआ कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से इस साल का नोबेल प्राइज इन दोनों पर्सनैलिटी को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द केमिकल मेंशन बिलो आर बैंड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। अगर हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें, स्टॉकहोम कन्वेंशन की, उसके अंदर कुछ कुछ केमिकल को बैन किया गया है, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी किस केमिकल को बैन किया है। तो
फर्स्ट आपके पास जो फर्स्ट केमिकल है वह है फुरांस, सेकेंड केमिकल जो है उसका नाम है क्लोरडेन, सेकेंड ये आपके पास केमिकल है। थर्ड केमिकल जो आपको दिया है डीडीटी दिया गया, और जो फोर्थ केमिकल जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर वह हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये फोर्थ केमिकल है। और आपसे पूछा जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर एक ट्रीटी साइन की गई है जिसका नाम स्टॉकहोम कन्वेंशन बोला जा रहा है, इस कन्वेंशन के अंदर कौन कौन से केमिकल को बैन किया गया है, इनमें से ये आपको चूज करना है करेक्ट आंसर अपने लिए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों जो है इन दोनों को बैन किया गया इस कन्वेंशन के थ्रू, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड जो है ठीक है इन दोनों को बैन किया गया है ऐसा आपसे बोला जा रहा है, और ऑप्शन सी की बात करें तो थर्ड एंड फोर्थ केमिकल जो नेम मेंशन है ये आपसे बोला जा रहा है कि इनको बैन किया गया है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि चारों ही केमिकल को बैन कर दिया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन ट्रीटी के थ्रू। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये चारों ही केमिकल इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन साइन किया गया था जिसका नाम स्टॉकहोम कन्वेंशन बोला जाता है। जितने भी जो भी नुकसान करने वाले जो केमिकल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर सकते हैं, ऐसे जो केमिकल वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं उसको बैन करने के लिए ये कन्वेंशन साइन किया गया इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हम बात करें अपनी कंट्री यानी इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री ने भी इसे रेक्टिफाई कर दिया गया इस कन्वेंशन को 2006 में, और ये एज पर द आर्टिकल 25 के 4th सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री ने भी इसे चूज कर लिया कि हमारी कंट्री भी इस ट्रीटी को फॉलो करेगी। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं कौन कौन सी केमिकल को इसमें बैन किया गया है। तो इसके अंदर 8 ऐसे पेस्टिसाइड है जो कि हमारे इन्वायरमेंट या ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे बैन किया गया है, नंबर वन। नंबर टू आप बोल सकते हैं 2 ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि हमारी बॉडी या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे भी बैन किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 2 यूनिटेंडेड प्रोडक्ट है जो कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह में यूज होता है, उसे भी इसके अंदर बैन किया गया है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी इस तरह के केमिकल है उन सबको बैन करने के लिए ट्रीटी साइन की गई है, और इसके अंदर जो चारों आपको जो चीजें दे रखी है चारों के चारों यानी कि ये चारों ही केमिकल को बैन कर दिया गया है इस ट्रीटी के अंदर इस कन्वेंशन के थ्रू, और हमारी कंट्री ने भी इस ट्रीटी को इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, यानी कि हमारी कंट्री में भी ये रूल फॉलो होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका डी है, चारों ही जो केमिकल आपको दे रखा है ये चारों के चारों बैन है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कुछ और केमिकल के नाम है, वन बाय वन आप पेस्टिसाइड देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल देख सकते हैं, ठीक है, और बाकी चीजें आप देख सकते हैं टोटली क्या क्या बैन है इस कैटेगरी के थ्रू। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट को आपको रीड करना है और फिर एनालाइज करते हुए बताना है कि इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी जिसे हम शॉर्ट में हेल्प बोलते हैं, हेल्प वॉज अप्रूव्ड इन 2016, यानी कि 2016 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई हमारी कंट्री के अंदर जिसका नाम रखा गया हेल्प। हेल्प मीन्स यहाँ पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इसी हेल्प के बारे में, हेल्प यानी जो पॉलिसी है एक तरह से इसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि हेल्प प्रोवाइड्स फॉर द यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग सिस्टम डेट विल कवर द हाइड्रोकार्बन सच एज ऑयल गैस कोल बेड मेथेन्स, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारी कंट्री में ये जो पॉलिसी आई है हेल्प ये एक तरह से लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है कि किस तरह से ऑयल को गैस को और जो भी मेथेन वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं कोल को इन सारे प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है किस तरह प्रोड्यूस करना है इसके रिगार्डिंग में एक तरह से आप कह सकते हो एक सिस्टम प्रोवाइड करने का काम कर रही है ये पॉलिसी। तो आपके पास ये दो स्टेटमेंट हो गए, अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हो आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। हमारी कंट्री में पहले एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसका नाम रखा गया था नेल्प। नेल्प मींस होता है नेशनल, अब ये जो एक पहले पॉलिसी थी ये इसका नाम था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, नेल्प NELP।
इसको रिप्लेस करके, यानी कि नेल्प को रिप्लेस करके दूसरी पॉलिसी ला दी गई जिसका नाम रखा गया हेल्प। ठीक है, यानी कि आप एक सिंपल याद रखने का तरीका है, एन हटा के एच लिया गया, एच फोर हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे। तो ये पॉलिसी हमारी कंट्री में ला दी गई, और इस पॉलिसी के थ्रू अब क्या किया गया, जितने भी इस तरह के सेक्टर हैं, मतलब नेचुरल गैस है या फिर आप कह सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर कोल वगैरह प्रोडक्ट है, इनको एक तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए और इनके काम, इनसे इस इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं उनके काम को आसान करने के लिए एक पॉलिसी लेके आई हमारी गवर्नमेंट, जिसका नाम है हाइड्रो एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। यानी कि नेल्प को रिप्लेस करने के लिए हेल्प एक पॉलिसी लेके आ गई, और इस पॉलिसी का जैसे एब्रीवेशन में यूज्ड हो रखा है हेल्प, एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करती है जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती है कि किस तरह से उन्हें एक सिंपल रूल प्रोवाइड किया जाए, टैक्स ब्रेक किया जाए, प्राइसिंग यानी कि जो प्राइस को मिनिमम या किस तरह से वो मॉनिटर कर सकते हैं, इनको फ्रीडम दिया जा सके, मार्केट में एक्सेस दिया जा सके कि जो भी नेचुरल गैस और जो भी, कहने का मतलब है जितने भी फ्यूल सेक्टर में जो इंडस्ट्री है उनके काम को सिस्टमेटिक करने के लिए, काम को उनके काम को आसान बनाने के लिए इस पॉलिसी को हमारी कंट्री में लाया गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने 2016 में अप्रूव की दी थी हमारी कंट्री के अंदर नेल्प को रिप्लेस करके, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट हो गई। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि भी एक तरह से यूनिफॉर्म सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर हो गया, एक तरह से एक यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग सिस्टम डेवलप हो गया हमारी कंट्री के अंदर ऑयल गैस और कोयल वगैरह को लेकर के, कहने का मतलब जितने भी नेचुरल गैस होते हैं या फिर फ्यूल जितने भी होते हैं उन सबके सिस्टम को आसान करने के लिए, उस इंडस्ट्री को एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस पॉलिसी को हमारी कंट्री में लाया गया, जिसमें रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल को सिंप्लीफाई किया गया, उसके अलावा मार्केटिंग और प्राइसिंग को में फ्रीडम दी गई, और इसके अलावा जितने भी ऑयल कंपनी है उनको ये फ्रीडम दी गई कि वो अपने हिसाब से जो प्राइस ब्लॉक होता है उसे चूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। आपको दोनों ही पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, नेल्प के बारे में भी पता होना चाहिए और हेल्प के बारे में पता होना चाहिए, मतलब जो कमी नेल्प पॉलिसी के अंदर थी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके हेल्प पॉलिसी को हमारी कंट्री में 2016 में इंप्लीमेंट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग। यानी कि अगर हम बात करें अपनी कंट्री इंडिया और हमारा एक फ्रेंड है, एक तरह से आप फ्रेंड बोल सकते हो, मैं नीचे लिखता हूँ जापान, जापान और इंडिया के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और ये दोनों जो कंट्री है बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये दोनों पार्ट है, तो वो आपको चूज करना है, बताना है कौन कौन से ऐसी ग्रुपिंग है जिसके अंदर दोनों कंट्री इंडिया भी है और जापान भी है। तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें बोला जा रहा है G7, सेकेंड आपसे बोला जा रहा है क्वाड, क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे शॉर्ट में क्वाड भी बोला जाता है। थर्ड जो आपके पास रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे शॉर्ट में हम RCEP बोल देते हैं। और फोर्थ जो ग्रुपिंग है G4, यानी कि ये चार ऐसे ग्रुप बना दिए गए हैं, इस चार ग्रुप के अंदर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कंट्री इंडिया और जापान दोनों कंट्री इसके पार्ट हो, मतलब एक कंट्री नहीं है दोनों की ग्रुपिंग हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास जो कोड्स है वो कुछ इस तरह से है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि ये अगर फर्स्ट है ये सेकेंड है और ये थर्ड एंड ये फोर्थ है, इस अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन ए में बोला जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंडिया जापान पार्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकेंड एंड फोर्थ में इंडिया जापान पार्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जापान और इंडिया दोनों पार्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका बी है, बी का मतलब है ओनली सेकंड एंड फोर्थ जो ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रखी है उसके अंदर इंडिया पार्ट है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सेकंड एंड फोर्थ का मतलब ये हुआ कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड के अंदर इंडिया जापान इसका पार्ट है, और इसके अलावा G4 के अंदर भी इंडिया इसका पार्ट है। अब बात कर लेते बाकी जो है, जैसे इसकी डिटेल बात में करते हैं, RCEP के बारे में बात करते हैं। तो RCEP में क्या होता है, एशियन की जितनी भी कंट्री है 10 कंट्री है वो इसका मेंबर होती है, इसके अलावा पहले 6 मेंबर हुआ करती थी जिसके अंदर इंडिया भी थी पहले और जापान तो अभी भी है, पहले भी थे,
ये थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो रिसेंटली एक कॉन्वोकेशन, एक कह सकते हो एक जो कॉन्वोकेशन हुआ था इस टाइम, उसमें इंडिया ने अपने आप को इससे बाहर कर लिया, इस एग्रीमेंट से इंडिया ने अपने आप को बाहर कर लिया। यानी जो 16 कंट्री इस ग्रुप के अंदर हुआ करती थी, कि एशियन के 10 और 6 कंट्री, और 6 कंट्री में आप बोल सकते हो कि भाई यूएसए, ठीक है, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया का भी, ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड और इंडिया हुआ करती थी। लेकिन हमारी कंट्री यानी इंडिया ने इससे अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि भी इस ये एक, अभी एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें ये था कि मार्केट एक्सेस किया जा रहा था, तो फिर हमारी कंट्री ने इसमें विड्रॉ कर लिया, अब हमारी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। तो इस वजह से तो थर्ड तो चला गया, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि क्वाड के अंदर जो कि चाइना को डील करने के लिए चार मेजर कंट्री के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम किया गया, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए बड़ी बड़ी कंट्री इसके अंदर हैं, जो कि जो साउथ साउथ चाइना सी के अंदर, येलो सी के अंदर जो चाइना का जो दायित्व चल, वो मतलब एक तरह से वर्चस्व चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए ये ग्रुपिंग की गई है। और जी फोर की बात करें तो जी फोर जो ग्रुप है ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो ऑलरेडी जो पांच कंट्री हैं, उस पांच कंट्री के अलावा और भी कंट्री को प्लेस मिल सके, यानी कि उसके अंदर इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे कंट्री को भी इसके अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिले, इसके लिए इन चार कंट्री ने ग्रुपिंग की है जिसका नाम रखा गया जी फोर। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो जी फोर के अंदर और जी फोर के अलावा क्वाड के अंदर, इसके अंदर इंडिया और जापान दोनों कंट्री एक साथ ग्रुपिंग है। ठीक है, G7 में नहीं है और ना ही अभी इसके अंदर RCEP के अंदर है। ठीक है, क्योंकि RCEP के अंदर मैंने आपको बता दिया इंडिया ने अपने आप को इसके अंदर से बाहर कर लिया, हमारी कंट्री अभी इसे एग्जिट कर चुकी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, सेकंड एंड फोर्थ जो है ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये फर्स्ट ऑप्शन ए है आपके लिए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करती है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि इस पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, ये आपको चूज करना है। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब यह है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इस इंफॉर्मेशन को, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करती है। सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉपर्टी प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश करती है साल में दो बार करती है, इसलिए यहाँ पर बाइनिलियल बोला जा रहा है, यानी कि साल में ये इस रिपोर्ट को दो बार पब्लिश करने का काम करती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आज आपके लिए जो क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि आज हम लोगों ने काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है, तो इसलिए आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये पर्सनैलिटी कौन है, इनका नाम आपको बताना है, बहुत ईजी है। कौन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, इनका नाम बताना है और ये किस कंट्री से रिलेटेड है, किस पोस्ट पर है, ये भी आपको बताना है। सबसे आसान क्वेश्चन है, पर असली क्वेश्चन जो आपके लिए वो ये होने वाला है कि आपको जो बाकी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें G7 है, G7 क्वैड नंबर वन, G7 नंबर टू क्वैड, नंबर थ्री RCEP, नंबर फोर एशियन, नंबर फाइव G4, और G4 के अलावा नेक्स्ट जो है आपके लिए जो मैं क्वेश्चन में आपको देने वाला ये आपका हो गया G4 के बाद ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के अलावा आपके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि थोड़ा सा काम ज्यादा होने वाला है। इन सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सारे इंस्टीट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इनका मोटो क्या है, यानी कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है किस काम के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, उसके अलावा इन सब सारे इंस्टीट्यूशन के हेड कौन है, हेड का जब भी मैं बात करूं तो फर्स्ट हेड कौन है ये आपको पता होना चाहिए, और करंट में अभी कौन इसके हेड है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा हो गया आज आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या है। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, G7, क्वैड, RCEP, उसके बाद ये एशियन, एशियन के अलावा G4, G4 के अलावा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशन, और हाँ ये UNDP और देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यानी कि UN बोल देता हूँ मैं डायरेक्ट ही, तो UN, यूनाइटेड नेशन जो UNO है, इसके बारे में आपको और पता होना चाहिए। तो इन सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करिएगा, थोड़ा देखिएगा कि क्या क्या है और कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनमें से अक्सर कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आपसे हमेशा फ्रेम किए जाएंगे, तो एक बार आप नजर मार लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और बने रहिए इसी तरह, और कमेंट करके जरूर अपना आंसर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड शेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर।